नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस का हमारा टॉपिक रहेगा ये। तो इसमें हमने दो टाइप्स के सिस्टम पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीज़ें आती, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमने पढ़ा, देन उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने हमने सारे नर्व्स के बारे में पढ़ा, है ना। ऑप्टिक नर्व्स जो भी होती है हमारे हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स होती है ना, जैसे कि हाथों को हिलाना या आँखों से दिखाई देना, है ना, कानों से सुनाई देना, ये सारी चीज़ें ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और ब्रेन किसकी वजह से कंट्रोल करता है, नर्व्स के थ्रू, है ना। कुछ नर्व्स होती हैं जो कि मैसेजेस को लेकर बॉडी पार्ट्स तक जाती है, कुछ नर्व्स होती हैं जो बॉडी पार्ट से मैसेजेस को लेकर ब्रेन तक आती है, है ना। जैसे कि मुझे मेरा हाथ मूव करना है, तो ये जो मूवमेंट का ऑर्डर है यहाँ से कौन सप्लाई कर रहा है, जो ब्रेन है वो यहाँ से इसको मूव करने के लिए बोलेगा, है ना, कि भाई आप अपना हाथ हिलाइए। या हमें कोई सेंस होता है, कोई गर्म चीज़ है, ठंडी चीज़ है, तो हम वहाँ से अपना हाथ हटा लेते हैं, तो ये भी जो काम है ये कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है, ठीक। तो इसी से रिलेटेड ये सारा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, और आप अगर हमारे वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से ये सारा क्लियर हो जाएगा। 4-5 दिन से चल रहा है टॉपिक। लास्ट में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, है ना। तो स्टूडेंट्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आज हम पढ़ने वाले हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि ब्रेन से रिलेटेड या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है ना, डिसऑर्डर का मतलब बीमारियां, वो क्या क्या होती हैं। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कई टाइप्स की बीमारियां होती है ना, कभी बुखार आ जाना, कभी कुछ हो जाना, या कभी वायरल इन्फेक्शन हो जाना। तो इसी तरीके से न्यूरॉन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी, उन न्यूरॉन्स में जितने भी टाइप के डिसऑर्डर हैं जो हमारे सिलेबस में हैं या हमारे काम के हैं, वो हम आज सब स्टडी करने वाले हैं, ठीक। तो फर्स्ट चीज़, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब या तो न्यूरॉन्स में कोई गड़बड़ होना, है ना, या फिर ब्रेन में कोई गड़बड़ होना, या स्पाइनल कॉर्ड में कोई मिस्टेक आना, है ना। मतलब कि जो भी आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो या फिर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो या परिधि तंत्रिका तंत्र हो, इनमें से किसी में भी अगर कोई जो है मिसमैनेजमेंट होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन सभी को हम कहेंगे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक। इस सीरीज में देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, कोई नर्व जो है वो दब जाती है, है ना, या फिर ब्रेन के अंदर जो है हमारा ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक, या फिर आपकी पर्टिकुलर किसी एक नर्व की वजह से पर्टिकुलर कोई एक ऑर्गन इफेक्ट हो जाता है। इस तरीके की कई सारे एग्जांपल्स आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला जो एग्जांपल है हमारा, सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो कौन सा डिसऑर्डर है, मेनिनजाइटिस, ठीक है। मेनिनजाइटिस जो है हमारा फर्स्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मेनिनजाइटिस, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिनजाइटिस। जब हमने ब्रेन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेन के ऊपर एक लेयर्स होती है ना, ब्रेन के ऊपर क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर्स, मतलब कि उसको कवर करने के लिए, जैसे हम कॉपी पर कवर चढ़ाते हैं वैसे ही हमारी ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो उस कवरिंग के अंदर, उस लेयर के अंदर, जिसको कि हम मेनिनजाइटिस कहते हैं, उस लेयर के अंदर क्या होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। मतलब कि इन्फ्लामेशन का मतलब जलन, ठीक है, इरिटेशन या जलन वहाँ पर फील होने लगती है आपको पूरे स्कल के अंदर, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे कि सिर दर्द होता है, उसी तरीके से यहाँ पर स्कल के अंदर नीचे की तरफ जो है जलन होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं मेनिनजाइटिस का वो पहला सिम्टम्स होता है, ठीक है। अब कॉसेस की अगर बात करें तो ये जलन किस वजह से होती है, तो ये जो होती है ये एक तरीके का इन्फेक्शन होता है, जो कि एक पर्टिकुलर एडल्ट में अलग वजह से होता है और छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें अलग वजह से होता है, ठीक। कॉसेस क्या है, उसके कारण क्या है जलन होने के, पहला कारण है स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी, ठीक है। मतलब कि एक ये क्या है, ये एक फॉरेनर सब्सटेंस है, मतलब कि जैसे होता है ना बैक्टीरिया वायरस, तो उस तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है इसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ ओवर ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पर फिर जलन फील होने लगती है या आपकी इन्फ्लामेशन होने लगती है। अगर बच्चों की बात करें तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसकी वजह से जो है यहाँ पर इन्फेक्शन होता है, मतलब कि ये दोनों अलग अलग है। एडल्ट में अगर इस तरीके की कॉजेस आएंगे, इस तरीके के सिम्टम्स आएंगे, तो वो किसकी वजह से होंगे, स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी की वजह से, और चिल्ड्रंस में अगर होंगे तो वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होंगे, ठीक है। जिसमें कि लेयर जो होती है हमारी, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ, मान लीजिए ब्रेन की लेयर है, तो ये जो लेयर होती है इसमें इस तरीके से ये देखो ऐसे कर्व्स आने लगते हैं, है ना।
तो जब इसमें कर्व्स आने लगेंगे तो अंदर की जितनी भी स्ट्रक्चरल जो भी आपका है स्ट्रक्चर, वो सब कैसा होगा, डिस्टर्ब होगा। भाई ये जो लेयर ये हार्ड होगी और कर्व होने की वजह से यहाँ पर जो है चुभने लगेंगी, और ऊपर की तरफ जो स्कल है उसमें चुभने लगेंगी, जिसकी वजह से फिर हमें क्या होने लगेगा, इरिटेशन या जलन महसूस होने लगेगी। ठीक, तो ये पहला है। फिर आगे देखो, अगर इसमें तो वायरल मेनिंजाइटिस भी होता है, फंगल मेनिंजाइटिस भी होता है, मतलब कि वायरस की वजह से भी ये इन्फ्लेमेशन होता है और फंगस की वजह से। फंगस मतलब फफूंद, वायरस मतलब वायरस, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा हमारा, है ना, जीवाणु जिसको हम शायद बोलते हैं हिंदी में, है ना, विषाणु बोलते हैं हिंदी में, विषाणु और फफूंद, इन दोनों की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो वायरस में एक और वायरस है हर्पीस वायरस। ठीक, फंगल की अगर हम बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूरिफोर्मेन, मतलब ये एक फंगल है और ये एक वायरस है, दोनों की वजह से किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन वहां पर हो जाता है, जिसकी वजह से जलन होने लगती है। अब इसमें प्रिकॉशन क्या रखना है, मतलब सावधानियां क्या रखना, अगर आप में से किसी को मेनिंजाइटिस हो जाती है, ठीक है, चूंकि ये वायरल वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है, या फिर फंगल इन्फेक्शन है, तो ऑब्वियसली हम अभी जैसे कोरोना को फेस कर रहे हैं, तो कोरोना भी क्या है, कोरोना एक वायरल डिसीज है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, है ना, आइसोलेशन, मतलब कि जो पेशेंट है उसको आपको क्या करके रखना है, आइसोलेट करके रखना है, उसको अलग कमरे में या अलग जगह पर उसको ट्रीट करके रखना, ताकि उसका जो इन्फेक्शन है वो किसी अदर पर्सन में ना जा पाए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिकॉशन है इसमें आइसोलेशन। फिर अगर इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें, तो देखो फोटोफोबिया, सबसे पहला इसका सिस्टम सिम्टम्स कौन सा है, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब है, फोटो मतलब प्रकाश, फोबिया मतलब डर, है ना, मतलब कि लाइट से उसको इरिटेशन होने लगता है, प्रकाश से उसको एक तरीके से डर लगने लगता है। जैसे कुछ लोगों को ब्लड फोबिया होता है ना, खून देखकर उनको प्रॉब्लम होने लगती है, तो वैसे ही इस व्यक्ति को क्या होगा, लाइट को देखकर उसको इरिटेशन होने लगेगा या लाइट को देखकर उसे डर लगने लगेगा। ठीक, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पर उसकी इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, है ना, और इसी वजह से वो लाइट से फिर दूर रहने लगता है या डरने लगता है। फिर देखो आगे जो सिम्टम्स है, इनका मतलब है कि आपके जो ज्वाइंट्स है, आपके जो जोड़ है, ठीक है, उनमें एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो अकड़न होती है ना, जोड़ों में आपके जो भी जोड़ है, जैसे यहाँ पर एल्बो का है या फिर घुटने का, नी का जोड़ है, उसमें अकड़न होने लगती है, आपको पैर को या हाथ को मूव करने में, मोड़ने या वापस सीधा करने में प्रॉब्लम होने लगती है, वो भी एक इसका सिम्टम्स होता है। ठीक, तो ये पहली बीमारी हमारी मेनिंजाइटिस। ठीक, अगला देखो मेनिंजाइटिस का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया इन्फ्लामेशन। आपको दो चीज़ें इसमें याद रखनी है, एक तो मेनिंजाइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, और दूसरे इन वायरस के नाम हमको याद रखना है। अगला देखो तो स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक को क्या बोला जाता है, सेरेब्रो वेस्कुलर डिजीज। स्ट्रोक सभी ने जनरली सुना होगा कि उसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया है ना, तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, या स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, स्ट्रोक का मतलब है कि ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन आया, मतलब कि जो आपकी भाई ब्लड की सप्लाई तो बॉडी के हर पार्ट में हो रही है ना, ब्रेन में भी जा रहा है, हार्ट में भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है। अगर हार्ट में ब्लड की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे क्या कहेंगे कि भाई वहाँ पर जो है आपकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाएगा, है ना, तो जिसकी वजह से जैसे कोलेस्ट्रॉल जब किसी को जम जाता है उसकी आर्टरीज के अंदर, तो वहाँ पर जो है उसकी ब्लड सप्लाई जो है इफेक्ट होने लगती है, और इसी वजह से उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो वैसे ही हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, वैसे ही ब्रेन स्ट्रोक भी होगा। अब होगा क्या कि जैसे ही आपकी ब्लड सप्लाई बंद हुई, अब ब्लड सप्लाई बंद किस वजह से होगी, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई जो है वो भी किसी तरीके के वायरल इन्फेक्शन की वजह से बंद हो सकती है ना, किसी वजह जैसे कि आपकी जो आर्टरीज है जो ब्लड लेकर जा रही है उसमें किसी वजह से स्वेलिंग हो गई, या यहाँ पर ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई वायरस है, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से इस तरीके से फ्लॉकोल्स बन जाते हैं, मतलब कि गुच्छे बन जाते हैं ब्लड के अंदर, और फिर वो आर्टरी में जमा होकर के खून को बहने से रोक देते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो तो जरा कि टिश्यू की इंजरी हो जाती है। टिश्यू इंजरी सबसे पहले, भाई जो आर्टरी ब्लड पहुंचा रही है वो प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचा पा रही है। अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा सेल तक, है ना, सेल से ही टिश्यू बनता है, तो ब्रेन सेल तक अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, ब्रेन सेल तक अगर ब्लड जो है नहीं पहुंच पा रहा है तो ना तो उन सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, ना उन सेल्स को पोषक तत्व मिलेंगे, ठीक है, ना वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको बाहर ले जाया जा सकेगा, ना वहाँ पर जो भी वेस्टेज मटेरियल बन रहा है ना, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड वगैरह जो भी बन रहे हैं उनको वहाँ से रिमूव भी नहीं किया जा सकता है, और वहाँ पर नया सप्लाई पहुँचाया भी नहीं जा सकता है। इसकी वजह से वो टिश्यू जो है वो डैमेज होने लगते हैं, जो कोशिकाएँ हैं वो ख़राब होने लगती है, ठीक है, और यही इसका जो है पहला सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको पेन होने लगेगा, ठीक, सबसे पहले तो अनकॉन्शियसनेस, ब्लड की सप्लाई जैसे ही कम होगी
होगी, ऑक्सीजन का सप्लाई भी बंद हो जाएगा साथ ही में, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में घूमती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई बंद होता है, जैसे अगर मान लो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं और हमें ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, हम बेहोश हो जाएंगे, है ना। तो सेम वहाँ पर भी क्या होता है कि जो नर्व सेल हैं या जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या होने लगते हैं, वो फिर एक एक करके इंजरी का मतलब यही है कि वो अपना फंक्शन करना बंद कर देते हैं, जिससे पेशेंट को जो है अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि वो एक तरह से बेहोशी की हालत में चला जाता है। ठीक है, फिर आगे देखो, तो ये जो डिसीज होती है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ डेथ। ठीक है, दुनिया में जितने भी लोगों की बीमारी से मृत्यु होती है उसमें दूसरा प्रमुख कारण यही बीमारी होती है। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको हमें याद रखना है कि स्ट्रोक जो है, कौन सा स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक जो है दुनिया में दूसरी ऐसी बीमारी है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेती है। ठीक, तो पहली कौन सी है, पहली है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, मतलब कि जो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी होती है, जो हार्ट स्ट्रोक होता है या हार्ट अटैक होता है, वो सबसे पहली ऐसी बीमारी है जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती है। दूसरे नंबर पर हमारा स्ट्रोक आता है जो कि ब्रेन में होने वाली ब्लड सप्लाई के कारण होता है। सिम्टम्स अगर देखें तो देखो, वीकनेस है ना, वीकनेस आना, या कॉन्शियसनेस होना, अनकॉन्शियसनेस होना, फिर पैरालिसिस ऑफ फेस और हाफ बॉडी। ठीक है, फेस की जो मसल्स होती हैं उनका पैरालाइज हो जाना, मतलब कि होंठों पर कोई सेंस नहीं होना, नाक पर कोई सेंस नहीं होना, आंखों पर कोई सेंस नहीं होना। अब ये जो अनकॉन्शियसनेस या सेंसलेस जो हमारी बॉडी से सेंस जा रहा है, ये या तो फेस पर भी केवल आपको दिखाई देगा या फिर पूरी बॉडी के आधे पोर्शन में दिखाई देता है, है ना, जिसको हम बोलते हैं ना हाफ बॉडी में पूरा पैरालिसिस हो जाता है, उस तरीके की यहाँ पर कंडीशन भी आ सकती है। तो या तो फेस के ऊपर दिखाई देगा पैरालिसिस, या फिर पूरी बॉडी के ऊपर भी दिखाई दे सकता है जो कि हाफ बॉडी के उसके हाफ पोर्शन में होगी। ठीक, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई, सर्जिकल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं भाई, जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, उसको पहले तो MRI, CT स्कैन वगैरह जो भी स्कैन्स होते हैं, ठीक है, उनसे स्कैन करके पता लगाया जाता है कि ये ब्लॉकेज कहाँ पर है, किस आर्टरी में है। ठीक, फिर उसको सर्जरी के थ्रू, पहले तो मेडिसिन के थ्रू उसको क्या किया जाता है, डिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है कि मेडिसिन से अगर काम हो जाए तो अच्छा है। तो मेडिसिन में उनको क्या दिया जाता है, देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेस का डोज दिया जाता है जो कि क्या करता है, उसको डाइल्यूट करने का काम करता है। अगर उससे बात नहीं बनती है तो देन फिर सर्जिकल अप्लाई किया जाता है, सर्जरी करके और वहां से जो है उस ब्लॉकेज को हटाया जाता है। अब स्टूडेंट, इसमें दो कंडीशन है कि अगर तो जो ब्लॉकेज है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मतलब ज्यादा गहराई में नहीं है अगर स्कल के, है ना, जैसे मान लो ये हमारा ब्रेन था, तो इस ब्रेन में अगर ब्लॉकेज जो है, ये ब्लड सप्लाई इसकी आर्टरी है, ये स्कल आ गया, तो अगर ब्लॉकेज जो है अपर लेयर पर है, मतलब कि ज़्यादा गहराई में नहीं है, तो सर्जरी जो है वो क्या हो जाएगी, वो सक्सेसफुल हो जाएगी। बट अगर ब्लॉकेज जो है ये अंदर की तरफ है, है ना, थोड़ा सा डीप में चला गया है, तो फिर सर्जरी के सक्सेस होने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं, क्योंकि हमें पता है न्यूरॉन, जब हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स ऐसी सेल्स हैं बॉडी की जो अगर डैमेज हो जाती हैं तो आसानी से रिकवर नहीं होती है। इसलिए जब सर्जरी करते समय न्यूरॉन्स तो डैमेज होंगे ही भाई, आप काट रहे हो ना किसी चीज़ को, तो न्यूरॉन्स ऑब्वियसली क्या होंगे, डैमेज होंगे, और वो डैमेजिंग जो है वो वापस रिकवर नहीं होती है। और अगर पर्सन की, पेशेंट की एज अगर ज़्यादा है तो फिर तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि वो रिकवर कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला देखो, तो इसमें हमें जब पेशेंट को रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसका BP का जो लेवल है वो कंटिन्यूस चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी ब्लॉकेज आता है तो BP के लेवल में सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं, चाहे वो हार्ट का ब्लॉकेज हो, चाहे ब्रेन का हो, या किसी भी तरह का ब्लड सप्लाई में अगर कोई ब्लॉकेज आता है, देन वो BP से रिलेटेड सबसे पहले प्रॉब्लम्स होने लगती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दूसरी बीमारी हो गई, पहली हो गई मेनिंजाइटिस, दूसरी हो गई स्ट्रोक। ठीक, स्ट्रोक में सबसे महत्वपूर्ण लाइन कौन सी है, इट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ डेथ। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पर, ठीक है, इसके बाद चलो अगला देखो, तो अगली हमारी जो है अगली डिसीज है मायस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, ये क्या है, ये है जनरेशन एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि एसिटाइल कोलिन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब कि न्यूरॉन्स में जो मैसेजेस जाते हैं उन मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये पहला न्यूरॉन है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, है ना, तो ये पहला न्यूरॉन गया, इसके नीचे से जो है ब्रांचेस निकलती हैं, उनसे दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, उसका डेंड्राइट। तो यहाँ पर जो एक जॉइंट होता है उनका, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस,
तो ये जो जॉइंट होता है, ये जो सिनेप्सिस होता है, इसमें एक फ्लूड भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है कि जो नर्व से इम्पल्स आ रही है ना, जो कि मैसेजेस ऊपर से आ रहे हैं, उनको एम्पलीफाई करके, उनको थोड़ा सा बड़ा करके अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर कर देता है ना, ताकि जो मैसेज ब्रेन से जो चला है जिस इंटेंसिटी के साथ, वो इंटेंसिटी उसकी टारगेट ऑर्गन तक बनी रहे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्या हो रहा है इसमें कि एंटीबॉडी का जनरेशन हो रहा है एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट, मतलब कि ये जो बीमारी है इसमें क्या हो रहा है, इसमें एंटीबॉडी बन रही है। अब एंटीबॉडी की भी आपको कहानी बतानी पड़ेगी, एंटीबॉडी क्या होती है। देखो, जो जिनका बैकग्राउंड बायो से है वो तो समझ रहे होंगे कि एंटीबॉडी क्या होती है। अभी कोरोना की वैक्सीन बन रही है, सभी को पता है ना, लास्ट स्टेज में उसका जो है ट्रायल चल रहे हैं और कुछ ही दिनों में मार्केट में भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखें कि एंटीबॉडी क्या होती है। हमारी बॉडी के अंदर जब कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा बैक्टीरिया या ऐसा वायरस आता है जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी होने वाली होती है, तो बॉडी क्या करती है, उससे लड़ने की कोशिश करती है ना, और उस लड़ाई के लिए जिन सेल्स का वो निर्माण करती है उनको क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी, है ना। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर कोई भी आपका जो है कोई भी एक वायरस आया, ठीक है, ये वायरस है मान लो कोई भी, ये वायरस जब बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो बॉडी के अंदर एक तरीके की उससे लड़ने के लिए सेल्स का निर्माण या सेल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और इन्हीं सेल्स को क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी। ठीक है, बात समझ में आ गई, एंटीबॉडी क्या होती है ना। तो ये एंटीबॉडी बनने लगी, तो अब इस बीमारी में क्या हो रहा है कि एंटीबॉडी बना रही है बॉडी किसके लिए, एसिटाइल कोलिन के लिए, मतलब कि जो एसिटाइल कोलिन हमारी मदद कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर है वो और बॉडी के लिए जरूरी है, उसके लिए एंटीबॉडी बन रही है, मतलब उसको खत्म करने का काम बॉडी खुद ही कर रही है। ठीक है, तो ये बीमारी होती है, तो इससे क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से फिर हमें प्रॉब्लम होने लगेगी। अब सिम्टम्स इसके अगर देखो तो क्या होते हैं, टोटिस, मतलब कि आई लिड्स का गिरना, या आई लिड की जगह हम बोले कि आई लेशेस जो होती हैं, पलक के जो बाल होते हैं वो इसमें गिरने लगते हैं, इसका सबसे पहला सिम्टम्स है, आंखों की पलक के जो बाल है वो इसमें गिरने लगेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इस बीमारी का जो है अंदेशा होने लगता है। ठीक, अब एसिटाइल कोलिन अगर बंद, एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बन रही है, मतलब कि एसिटाइल कोलिन का जो प्रोडक्शन है वो उसको रोक देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, नर्व्स में जो मैसेज का ट्रांसफर है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से है ना हमारे बॉडी की कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो कुल मिलाकर के कि अगर हम कहें कि नर्वस सिस्टम में किसी भी तरीके का कोई भी डिसऑर्डर होता है तो उससे पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। ठीक है, पूरी बॉडी इफेक्ट होती है, तो यहां पर भी वही चीज हो रही है। तो अगला देखो, अगली बीमारी कौन सी है, ये हो गया। ठीक, अगला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये भी क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज, ये जो आपकी ग्रेविस डिसीज है, ये भी कौन सी डिसीज है स्टूडेंट्स, ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून का मतलब ये खुद ही के लिए क्या कर रही है, अगेंस्ट काम कर रही है। इम्यून सिस्टम का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, ऐसी कोशिकाएं जो हमें बीमारियों से बचाती हैं। ऑटो इम्यून का मतलब ये जो हमारे लिए अच्छी चीजें हैं उनके खिलाफ भी लड़ रही है, तो ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज ये भी है, ऑटो इम्यून डिसीज ये भी है। अब इसमें क्या होता है कि माइलिन शीट के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगती है। माइलिन शीट का मतलब है एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग शीट होती है, ये न्यूरॉन है हमारा, है ना, न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, उस प्रोटेक्टिंग लेयर को बोला जाता है इंसुलेटेड माइलिन शीट। जैसे बिजली का तार होता है तो उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है ताकि एक तार का करंट दूसरे तार में ना जाए, तो वैसे यहां पर भी क्या होता है, एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन में ना जाए, इसलिए उसके ऊपर क्या होता है, माइलिन शीट होती है जो इंसुलेटेड होती है। मतलब जैसे प्लास्टिक वहां पर काम करता है वैसे ही यहां पर यह काम कर रही है। ठीक, तो अब इस बीमारी में क्या हो रहा है, इस बीमारी में हो रहा है कि यहां पर माइलिन शीट के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है, मतलब बॉडी कुछ ऐसी सेल्स बना रही है जो सेल्स इस माइलिन शीट को डैमेज करने का काम कर रही है। ऊपर एसिटाइल कोलिन को डैमेज कर रही थी, अब यहां पर किसको डैमेज कर रही है, माइलिन शीट को डैमेज कर रही है। तो सपोज मान लो अगर ये माइलिन शीट हट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो क्या होगा, दूसरे न्यूरॉन्स तो इसके ऊपर ओवरलैप पहले से ही हो रहे हैं, तो दूसरे न्यूरॉन्स के जो मैसेजेस है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें हमारी कंट्रोलिंग में, बॉडी के कोऑर्डिनेशन में कई तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक,
अब इसको एक और नाम दिया जाता है कि न्यूरॉन्स का डीमाइलिनेशन है ना। डीमाइलिनेशन मतलब माइलिन शीट का खत्म होना, ठीक है। तो जिसकी वजह से, और ये डिसीज जो है वो सीएनएस में होती है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसीज है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर न्यूरॉन्स की माइलिन शीट खत्म हो रही है तो उसको हम बोलेंगे डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक। और इसका नाम क्या है, स्क्लेरोसिस, ठीक। अगला देखो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एमआरआई, भाई ब्रेन से रिलेटेड कोई भी आपकी बीमारी होती है तो सबसे पहले एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, ठीक है। सब तरीके के स्कैन किए जाते हैं, उसके बाद ही कोई आपका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू होता है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट जो हमारी डिसीज है वो है गुलेरियन बारे सिंड्रोम। अब ये भी जो है, ये भी सेम डिसीज है ना। माइलिन शीट जो है यहाँ पर भी डैमेज हो रही है जैसे यहाँ पर हो रही थी, बट ये कहाँ पर हो रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब कि परिधि तंत्रिका तंत्र के अंदर होती है बीमारी, तो उसे हम बोलेंगे गुलेरियन बारे डिसीज या सिंड्रोम। और अगर वही डिसीज जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो रही है तो हम उसे बोलेंगे स्क्लेरोसिस, ठीक है। क्लियर, इतनी बात। काम दोनों में सेम हो रहा है, माइलिन शीट यहां भी खत्म हो रही है, माइलिन शीट यहां भी खत्म हो रही है। अगला देखो, अगली जो डिसीज है वो है ट्राइजर्मिनल न्यूरोग्लिया, है ना। ट्राइजर्मिनल न्यूरोग्लिया, कोई बताएगा पहले मुझे कि ट्राइजर्मिनल जो नर्व है वो कौन से नंबर की नर्व है। ट्राइजर्मिनल जो नर्व है वो कौन से नंबर की नर्व है। कल हमने 12 नर्व का जो शीट थी वो पढ़ी थी, है ना। उसमें से एक नर्व कौन सी है, ट्राइजर्मिनल नर्व, डिसऑर्डर ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, है ना। पांचवें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है, उस क्रेनियल नर्व में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना। कुछ प्रॉब्लम्स का मतलब कि भाई देखो, वो क्रेनियल नर्व किसको कंट्रोल कर रही थी, जैसे कि हमने देखा कि फेस, ठीक है, टंग, या फिर जो आपका पूरा फेशियल एक्सप्रेशन होता है, उस तरीके की कई चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिसऑर्डर है ये किसका, फिफ्थ आपकी जो है क्रेनियल नर्व का, तो उससे क्या होगा कि फेस के जो एक्सप्रेशन है, है ना, या फिर आपको फेस, अपना फेस टच करने पर पेन फील होगा। फेस में सारी चीज़ें आ गई, होंठों पर, ठीक है, या फिर आपके जो चीक से गाल है वहाँ पर, आपकी आँखों पर, ठीक है, पूरे फेस पर, कहीं पर भी अगर आप टच करते हो तो आपको पेन फील होगा, दर्द फील होगा, जिसका मतलब है ये इसका सिम्टम्स है, या हम कहें कि इससे होने वाला जो है दुष्परिणाम है, जो कि किसकी वजह से होता है, ट्राइजर्मिनल न्यूरोग्लिया, जिसमें फिफ्थ जो नर्व है उसमें प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। अगला देखो तो पार्किंसन डिसीज, है ना। नेक्स्ट डिसीज जो है वो पार्किंसन डिसीज है। इसमें क्या होता है, देखो जरा कि यहां पर डीजनरेशन ब्रेन डिसीज है। डीजनरेशन ब्रेन डिसीज मतलब कि यहां पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उनके न्यूरॉन्स में डैमेज होने लगता है, उनके न्यूरॉन्स में जो है वो न्यूरॉन्स खत्म होने लगते हैं, इसको बोला जाता है पार्किंसन डिसीज, ठीक। अब पार्किंसन डिसीज क्यों होती है, तो पार्किंसन डिसीज जो है डोपामिन की कमी की वजह से होती है। डोपामिन एक हार्मोन होता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। डोपामिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन की कमी हो जाती है, हम कहें कि वो रिलीज होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे जो सिम्टम्स है वो आने लगते हैं, ठीक है। अब देखो जरा कि ये जो डिसीज होती है, इस डिसीज में फिर होगा क्या कि आपकी जो मसल्स हैं, है ना, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें एक तरीके का खिंचाव रहेगा हमेशा, है ना, या यूं कहें कि वो जिस कंडीशन में वहीं पर फिक्स हो जाएंगी। अगर वो रिलैक्स हैं तो रिलैक्स ही रह जाएंगी, अगर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट रह जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखो कि ये जो बीमारी है पार्किंसन डिसीज, इससे भी जो है अगर हम बात करें तो ये सेकेंड नंबर की डिसीज है। डीजनरेशन ऑफ ब्रेन मतलब कि मस्तिष्क की कोशिकाओं का सबसे ज़्यादा जो विनाश होता है या डिस्ट्रॉय जो होता है वो किस डिसीज में होता है, वो अल्जाइमर में होता है, है ना। और दूसरे नंबर की डिसीज कौन सी है हमारी, पार्किंसन डिसीज। जैसे मान लो ब्रेन में अगर 10 सेल हैं तो उन 10 में से अगर 9 सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा सेल अगर डिस्ट्रॉय होती है तो वो किस में होती है, अल्जाइमर डिसीज में। और उससे सेकंड नंबर पर जो आती है वो होती है आपकी पार्किंसन डिसीज, ठीक। फिर इसमें होता क्या है, देखो इसमें होता ये है कि पेशेंट जो होता है उसको एक तरीके का हम कहें कि किसी भी बात का सेंस नहीं रहता है। अगर वो किसी चीज़ को, जैसे एक व्यक्ति नशे में जब होता है ना, तो वो किसी चीज़ की भी रट लगा लेता है, तो वो उसी को बार बार दोहराते रहता है, तो उस तरीके के सिम्टम्स जो हैं इस डिसीज में आते हैं, ठीक है। अगला देखो,
इसके सिम्टम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखो सबसे पहला हमने लिखे हैं कुछ सिम्टम्स कि पिन रोलिंग मूवमेंट, मतलब कि वो अपने जो हाथ है, इसका जो फेमस जो सिम्टम्स है कि वो जो अंगूठा है और ये जो फिंगर्स हैं इनका मूवमेंट सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इस ये भी उसका एक सिम्टम्स होता है जिससे हम समझ सकते हैं कि उसको कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, कि पार्किंसन डिसीज का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मास्क लाइक फेस। मास्क लाइक फेस का मतलब कि फेस पूरा इस तरीके से स्वेलिंग हो जाती है, हमने कहा कि पेन होने लगता है और कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता है ना। मास्क जब हम पहनते हैं तो हमारा चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देते हैं कि हम अंदर मास्क के अंदर हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारे फेस का एक्सप्रेशन जो होता है वो पूरा चला जाता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं कि मास्क लाइक फेस हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गई पार्किंसन डिसीज। अब अल्जाइमर डिसीज जो है वो भी सेम इसी तरीके के फंक्शन शो करती है, ठीक है। बट उसे जो हमारे एक साइंटिस्ट है अल्जाइमर, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम से वो डिसीज का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा पार्किंसन और इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगला देखो तो एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब मिर्गी आना, ये तो बहुत ही कॉमन है ना, हमने सुना भी होगा, जी कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं मिर्गी का आना। तो ये मिर्गी जो आती है ये भी कौन सा डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब कि मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। अब इस बीमारी में क्या होते हैं, दौरे आते हैं, है ना। दौरे हम सभी को पता है कि जो पेशेंट होता है, हमने देखा भी होगा शायद कि वो पेशेंट जो होता है कुछ सेकंड्स के लिए, है ना, कभी कभी कुछ मिनट्स के लिए जो है उसको एक तरीके का मसल्स में रिलैक्सेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें बार बार चलती हैं, मांसपेशियां खिंचती हैं सिकुड़ती हैं, खिंचती हैं सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से वो अजीब बिहेवियर शो करता है ना। मतलब उसके बिहेवियर में चेंज आने लगता है, ठीक, बिहेवियर में चेंज आने लगता है, उसकी कॉन्शियसनेस मतलब उसकी जो चेतना है उसमें परिवर्तन आने लगता है, उसको किसी बात का ध्यान नहीं रहता, वो अगर टेबल पर बैठा है तो नीचे गिर जाएगा, है ना। इस तरीके से जैसे होता है ना कि अगर किसी को करंट लग जाता है तो वो इस तरीके से बिल्कुल मूवमेंट करने लगता है, तो उसी तरीके का मूवमेंट जो है मिर्गी का जो पेशेंट है वो शो करता है, ठीक। किसकी वजह से होता है ये, ब्रेन के अंदर जो है सडन एबनॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज, है ना। अब हमने कहा था कि ब्रेन जो है हमारा उसके अंदर कई सारे केमिकल्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल जो है वहां पर बैलेंस रहता है हमेशा, है ना, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी केमिकल हो, तो अगर उसमें कुछ भी अनबैलेंस होता है, मतलब कि बैलेंसिंग वहां पर अगर खत्म हो रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। मतलब कि हम अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यहां पर जो दिमाग के अंदर पाए जाने वाले जो रसायन है उनकी मात्रा में जो है एक तरीके से उतार चढ़ाव आता है, वो भी कैसे, बिल्कुल सडन, मतलब अचानक, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और इस तरीके के बाहर से उसको सिम्टम्स शो करने लगती है, ठीक है। अब ये जो एपिलेप्सी है इसमें भी कई तरीके की स्टेजेस होती है, टोनिक स्टेज जिसमें जो दौरा होता है वो 10 से 15 सेकंड का होता है ना, क्लोनिक स्टेज जिसमें जो दौरा होता है वो 30 सेकंड के करीब होता है और इसमें कंटिन्यूसली कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है बॉडी के अंदर, और इसमें जो पेशेंट होता है वो अपनी जो जीभ है ना, अगर उसके जबड़े भी जिस तरह से हमें ठंड में ठिठुरन होती है ना, तो हमारे जो जबड़े होते हैं, जो जॉज होते हैं, वो दांत जिनको हम बोलते हैं कटकटाने लगते हैं, तो वो जो उसका जॉ का मूवमेंट होता है वो भी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से अगर उसकी टंग उस समय उसके जबड़ों के बीच में आ जाए तो वो क्या हो सकती है, कट सकती है ना। तो रिस्क ऑफ टंग बाइट, टंग जो है आपकी जीभ जो है उसमें कटने की संभावना होती है, किसमें, एपिलेप्सी की इस क्लोनिक स्टेज के अंदर, जो कि 30 सेकंड के करीब इसका दौरा आता है और इसमें कंटिन्यूसली कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब कि सिकुड़न, मांसपेशियों की का सिकुड़ना और मांसपेशियों का फैलना, ये घटना जो है चलती रहती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वैसे तो बहुत सारे डिसऑर्डर है, हमारे जितने काम के थे हमने सब देख लिए। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो हमको अच्छे से याद रखना है ना, एक तो पार्किंसन डिसीज जो है ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, एपिलेप्सी जो है ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर स्ट्रोक और मेनिंजाइटिस, है ना, इनको, ये तीन चार जो डिसीज है इनको आप काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना है, पढ़ना तो सभी को है पर इनको ध्यान में रखना है ना, ऐसा नहीं कि आज पढ़ाए और कल आप उसको क्या हो गए, भूल गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारा नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो आज यहाँ पर क्लोज हो रहा है।